अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं गर्म दिन स्पेंड करने के लिए मरी, और हमारी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम अपनी गाड़ी एक फैमिली फ्रेंड के घर खड़ी करेंगे और आगे उनकी गाड़ी लेकर चलेंगे मरी। तो चलें मेरे साथ और आज का गर्म दिन ठंडा करते हैं मरी में जाके। बेसिकली ये है पटियाटा स्पॉट, आपको कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा होगा ये पीछे, लेकिन पटियाटा का रास्ता यहाँ से नीचे जा रहा है और ग्लोरिया जींस का ये स्पॉट है, फर्स्ट स्पॉट है मरी का जहाँ पे आपको ठंडक का एहसास होगा और बादल काफ़ी नीचे आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे एक आबशार है जो कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमने स्टे किया है 5 मिनट का, और बस ये हम यहाँ से निकलेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए मैं हूँ। ये मरी से हम उतरे हैं जीटी रोड, और जीटी रोड से हम नीचे की तरफ थे, तो रास्ते में ये आई ये जगह जहाँ पर ये मैं एक छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ आपके लिए, आपको मेरे पीछे नज़र आ जाएगी ग्रीनरी, और ये पानी वहाँ ऊपर से आ रहा है नीचे। यहाँ मरी में आकर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, आपको जाने नहीं देते, और हम लोगों ने एक जगह ढूंढी जहाँ पे एक पब्लिक स्पॉट था, आपको नज़र आएगा ये पीछे आपको मेरे गाड़ियाँ नज़र आएंगी, हमने भी यहाँ पे पार्क कर ली अपनी गाड़ी, और लोग यहाँ पे आए हैं, आपको मेरे पीछे फैमिलीज़ नज़र आएंगी बैठी हुई हैं, और लोग यहाँ पे खाना इंजॉय कर रहे हैं, हम भी अभी खाना खाने वाले हैं यहाँ पे और बैठ के भी खाना खाएँगे। जी तो खाना खा लिया हम लोगों ने, और आपको मेरे पीछे यहाँ पे एक मौसमी फूल नज़र आएंगे, अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ तो बड़े ही खूबसूरत किस्म के फूल हैं जो इस स्पेसिफिक वेदर में निकलते हैं, और इसका एक क्राउन सा बनाते हैं यहाँ पे बच्चे, जो लोग मरी आए हैं उनको पता होगा कि वो एक क्राउन सा बना के वो बेचते हैं लोगों को, और उनका ज़रिया माश का बाज़ों का यही है कि वो इस तरह की कुछ चीज़ें छोटी छोटी करके अपना घर का गुजर बसर चलाते हैं, और ये फूल यहाँ पे इस मौसम में बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरे पीछे देख सकेंगे, आपको ये वाइट वाइट नज़र आएंगी सारी, ये देखिए ये सारे छोटे छोटे फूल निकले हुए, और ये फूल वहाँ नीचे तक गए हुए, ये बहुत खूबसूरत, जैसे कि ये फूल बिल्कुल इस तरह है जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, आपको वैसा नज़र आएगा, वो येलो कलर में होता है, ये वाइट और येलो कलर की कॉम्बिनेशन के साथ है, और बहुत खूबसूरत, आजकल मक्खियाँ शहद की मक्खियाँ भी हैं इनके ऊपर, और एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर है यहाँ का, और ये मौसम है मरी घूमने का बिल्कुल, और इंजॉय करने का ये मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। हम आए हैं पिंडी से, वहाँ पे तो आपको पता है जून का महीना चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा वेदर गर्म है, लेकिन यहाँ पे उसकी बनिस्बत वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है यहाँ पे। वापसी पे मरी से नीचे जीटी रोड पे आते हुए हमने एक जगह पे पी है चाय, और चाय पी ली है, आपको मैं नीचे का मंजर दिखाता हूँ, यही मेरे नीचे आपको एक सड़क नज़र आ रही होगी जो कि अभी हम नीचे उतरेंगे और बस नीचे की तरफ जा रहे हैं। मरी से नीचे आए तो एक जगह है सालगरा, और आपको मेरे पीछे ये साइन बोर्ड नज़र आएगा, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे मेज़ान तंदूरी रेस्टोरेंट मुर्ग पुलाव, यहाँ पे क़याम करके हमने नमाज पढ़ी है मैंने, और वज़ू किया है, वज़ू की जगह भी यहाँ पे है। 54 किलोमीटर है यहाँ से पिंडी दूर, और 54 किलोमीटर ट्रैवल करके हम जाएंगे अपने घर, और बस ये है सफ़र का।
आज का दिन खूब इंजॉय किया और आज शाम हो गई है। आपको मेरे पीछे का मंजर नजर आएगा शाम का, और ये पानी का सारा मंजर है। पानी में खड़ा हूँ इस टाइम, ये पानी में, और मेरे इतराफ में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो आपको पीछे नज़र आएंगे। और बड़ा ही खूबसूरत टाइम है, बड़ा खूबसूरत ये मरी से आ रहा पानी, ठंडा पानी है। अल्लाह का शुक्र है अभी थकार के घर पहुंच गए हैं, और अभी कपड़े चेंज करूंगा। इसी के साथ अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू।